SC ST एक्ट पर चारों तरफ से आलोचना झेल रही सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। बुधवार शाम को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार इस हफ्ते ही इस संशोधित बिल को संसद में रख सकती है। आपको बता दें कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को ये कहकर खारिज कर दिया था कि उनका गलत इस्तेमाल होता है। इस आदेश के बाद कई दलित संगठनों ने प्रदर्शन किए थे, तो वहीं NDA के कई दलित सांसदों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, उदित राज, सावित्री फूले समेत कई सांसद इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके थे। सरकार ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर के कोई दलित हितैषी हो नहीं सकता है। तीन हमारा काम था, एक प्रमोशन में रिजर्वेशन का था, उसके कोर्ट को क्या कहते हैं आदेश लिया कि ये चलता रहेगा। दूसरा UGC का मामला था कि ये अभी क्या कहते हैं कि लागू नहीं होगा, आरक्षण खत्म किया गया था, वो वैकेंसी को अभी रोको। और तीसरा जो दलित एक्ट का मामला था, जिसको लेकर के जो है पूरे देश के क्या कहते हैं कि जो दलित समुदाय में गुस्सा था, उसको आज दुरुस्त कर दिया गया है। भले ही BJP ने दबाव में आकर ये फैसला लिया हो, लेकिन जानकारों की माने तो मोदी सरकार ने इससे एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। एक तरफ तो उसे अपने नाराज सहयोगियों को मनाने में कामयाबी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो लगातार केंद्र सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है। सरकार इस बिल को इसी सत्र में पेश करेगी ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार खुद को दलितों का हितैषी दिखा सके और आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को भुनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी दलित संगठनों में थी। 9 अगस्त को तमाम दलित संगठन आंदोलन करने जा रहे थे। सरकार के इस फैसले से विपक्ष की इस योजना पर पानी फिर गया है। जाहिर है कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस आंदोलन की धार खत्म हो गई है।